एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में ही बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, वो है द मॉम स्पो का शैम्पू। और वो शैम्पू में भी बहुत सारे वैरायटी है, जिसमें से मैं कौन से शैम्पू का कर रही हूँ, तो वो है नेचुरल डैमेज रिपेयर हेयर किट। और जो ड्राई और डैमेज हेयर है उसको ये रिपेयर करता है। आगे चल के देखिए कि इसका प्राइस क्या है, ये कैसा दिखता है, वो सब कुछ आपको देख लीजिए। उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस शैम्पू के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। आधे में ही अगर आप वीडियो देखना बंद कर दोगे तो आपको नॉलेज पूरा नहीं होगा। यानी कि 3 मिनट के वीडियो को भी अगर आप 1.5 मिनट देखते हो तो ये आपका मतलब क्या बोलूँ, वीडियो को पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये है द मॉम स्पो का आपको नेचुरल डैमेज रिपेयर शैम्पू। ये है आपको मिलता है आपको KA+ हेयर सिस्टम। और ये मोस्टली जो अगर आपके बाल डैमेज हैं, डल हैं, रफ़ हैं, बेजान हैं, तो उसके लिए ये द मॉम स्पो का ये जो डैमेज रिपेयर शैम्पू है वो बनाया हुआ है। अगर इसके अगर आप बात करते हो तो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आपको ये मिलता है। मुझे कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये मैं जब परचेज़ की थी तो मुझे मिला था, ये बॉक्स मिलता है और बहुत अच्छे से पैकेजिंग में मुझे मिला। मैं जो इसे परचेज़ की तो ये पर्पल से मैं परचेज़ की, लेकिन ये आपको अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। मुझे नहीं पता फ़्लिपकार्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये अमेज़ॉन पे तो 100% अवेलेबल है, क्योंकि मैं चेक की थी उसके बाद मैं लेकिन फ़्लिपकार्ट से ली। अगर आप इसके बात करते हो क्रीम के शैम्पू के टेक्सचर की बात करते हो, तो जो शैम्पू का कलर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर में आपको मिल जाता है। और फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, 200 ml के बॉटल में है ये। और शैम्पू की अगर प्राइस करते हो तो 432 रुपये, यानी कि 432 रुपीज़, और 2 ईयर्स आपको सेल्फ लाइफ मिल जाता है। बहुत ही मीन्स लाइट कलर है, आप जो देख रहे हो ना ट्रांसपेरेंट, जो एलोवेरा का कलर होता है ना, वही जो है वो इस शैम्पू का जो है वो कलर है। और अगर आप बात कर लेते हो कंडीशनर की, तो कंडीशनर का जो कलर है, जो ये बॉडी लोशन का जो कलर होता है, एकदम वाइट कलर का जो है आपको ये कंडीशनर का कलर है। और ये इसके अंदर भी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, यानी कि अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, जैसे कि मुझे है, मुझे स्मेल, हार्ट स्मेल की इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ तक कि मैं कुछ भी हार्ट स्मेल मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता, कोई भी क्रीम वगैरह भी हो तो वो भी मैं हार्ट स्मेल नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। तो सेम प्रॉब्लम आपके साथ है तो वो भी आपको ये परेशानी इस शैम्पू के साथ नहीं होने वाली है। जो अगर आप बात करते हो तो 200 ml में के पैकेजिंग में आपको ये कंडीशनर भी मिलता है, 2 ईयर्स सेल्फ लाइफ है। अगर प्राइस की बात करते हो तो 492, यानी कि 492 रुपये जो है इसका आपको प्राइस मिलता है। और ये कॉम्बो पैक में भी आप ले सकते हो या फिर सिंगल सिंगल भी आप परचेस कर सकते हो। मैंने सब कुछ देख लिया, इसका प्राइस, इसका सब कुछ, इसका सेल्फ लाइफ, वो सब कुछ आपको पता चल गया। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं इस शैम्पू के बारे में। तो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, वो भी आपने देख लिया। तो ये शैम्पू क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि इसको पानी के साथ आपको मिलाना है, तब आपको लगाना है। यानी कि जो आपके बाल का लेंथ है, मान लो मेरा लेंथ इतना है, तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि मेरे हेयर को कितना शैम्पू लगने वाला है। तो उतना आप शैम्पू ले लें, पानी के अंदर उसे डिजॉल्व करें। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल 2 चम्मच अगर आप शैम्पू लेते हो तो थोड़ा सा 1 स्पून पानी के अंदर उसे मिक्स करें और उसके बाद आप शैम्पू करें, ठीक है। उसमें जो ये पैकेजिंग है और जो भी इसका है प्रोसेस, उसमें यही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ये द मॉम स्पो का जो नेचुरल डैमेज हेयर रिपेयर शैम्पू है, जब इसको आप पानी के अंदर डिजॉल्व करते हो, यानी कि पानी के अंदर जब मिलाते हो, उसके बाद जब आप अपने हेयर के ऊपर लगाते हो, तब ये झाग नहीं देता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि पानी के अंदर मिलाए उसके बाद शैम्पू करें तो ये प्रॉपर बहुत सारा झाग दे, तो ये झाग नहीं देता है।
मैं जब इसको पानी के अंदर रख करके और अपने शैम्पू करना चाही तो मेरे बाल में एकदम से झाग नहीं आया, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि शैम्पू जब हम लोग करते तो थोड़ा झाग आया तो हमें लगता है कि हमारे बाल थोड़े साफ हो गए। तो मैं उसे शैम्पू कर ली और उसके बाद मैं क्या कि थोड़ा सा नॉर्मल जैसे हम लोग शैम्पू करते हैं नॉर्मली डायरेक्ट अपने पाम में ली और उसके बाद मैं जैसे शैम्पू करना होता है वैसे मैं शैम्पू की। उसके बाद मेरे बाल में थोड़े झाग आए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं थोड़े झाग इसलिए बोली हूँ कि ये केमिकल फ्री है। बहुत सारा झाग जो होता है शैम्पू में या फिर किसी सोप में आपको तभी मिलता है जब उसके अंदर बहुत सारा केमिकल मिलाया गया हो, क्योंकि ये पैराबन और क्रुएल्टी फ्री है। इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं डाला हुआ है जो कि आपके स्कैल्प को डैमेज करे या फिर आपके बाल को डैमेज करे, इसलिए आपको इसके अंदर बहुत सारा झाग नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, उतना झाग आपको जरूर मिलेगा जो कि आपके बाल एकदम आपको फ्रेश फील हो, आपके बाल एकदम से साफ हो जाए, उतना झाग आपको इसके अंदर जरूर मिलने वाला है। तो ये है शैम्पू और ये है कंडीशनर। अगर शैम्पू के टेक्सचर की बात करते हो तो वो भी आपको पता चल चुका है, शैम्पू जो है वो लाइट येलो भी नहीं बोलूंगी मीन्स बहुत लाइट कलर का है। और जो कंडीशनर है, अगर किसी बॉडी लोशन होता है ना उसके कलर का इसका क्रीम है, यानी कि एकदम व्हाइट कलर का इसको इसका कंडीशनर मिल जाता है। अब एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, अगर आप उससे पूछते हो कि छवि आपके कहने पर आपने बताया इसके बारे में सब कुछ, अब आप मुझे बताइए कि मुझे ये शैम्पू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मुझसे अगर एज अ गाइड एज अ फ्रेंड अगर आप पूछते हो तो द मॉम्स को जो है अभी बहुत अच्छा जा रहा है, सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग जा रहे हैं, चाहे वो एज क्रीम हो या फिर कुछ भी, इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। जहाँ तक इस शैम्पू के बारे में आप मुझसे पूछते हो, तो जब मैं ये शैम्पू की तो मेरे बाल जो है, जब शैम्पू कर रही थी तो मेरे बाल बहुत निकले, यानी कि बहुत हेयर फॉल मुझे हुआ, ठीक है। तो और जब इसे मेरी बेटी यूज की तो उसका भी वही हुआ, जब वो शैम्पू की तब वो बाहर निकली तो मुझे बोली मम्मा मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ है। मीन्स जब आप शैम्पू करते हो तो आपके हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते हैं, नॉर्मली जो आप शैम्पू करते हो और इस शैम्पू को करते हो तो फर्स्ट टाइम में ही आपके हाथ में बहुत सारे बाल आते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मैं सोच रही हूँ कि जब आप शैम्पू करते हो, क्योंकि ये डैमेज रिपेयर शैम्पू है, तो जब आप इसको यूज़ करते हो और तो ये जो आपके डैमेज हेयर है, जो आपके बेकार जिसमें जान नहीं है, जो आजकल या परसों में टूटने ही वाले हैं, उस सबको ये निकाल देता है। उसके बाद जो आपके जो बाल हैं उसको ये और भी जो आपके बाल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, आपके बाल को अच्छा करता है, और जो आपके डैमेज हेयर है वो उनको निकाल करके और बाकी सब बाल को अच्छे से ये रखता है। ये मैं दो बार यूज़ की हूँ, मेरी बेटी भी दो बार यूज़ की है। फर्स्ट टाइम जब मैं इसको यूज़ की तो बहुत हेयर फॉल हुआ, सेकेंड टाइम जब मैं इसे कल यूज़ की हूँ तो मेरे हेयर फॉल थोड़े कम हुए हैं, यानी कि जो मेरे हाथ में जो बाल आ रहा था वो कम हुआ है। जो ये आप मेरे बाल अभी आप देख रहे हो, मैं इसी शैम्पू से शैम्पू की हूँ और आप मेरे बाल देखो, काफ़ी जो है वो बाउंसी लग रहे हैं, बाल एकदम से चिपके चिपके टाइप के नहीं लग रहे हैं, काफ़ी बाउंसी बाल लग रहे हैं। और अभी ऐसे करने पे मेरे हाथ में बाल नहीं आ रहा है, ऐसे आप करते हो तो मेरे हाथ में बाल नहीं आ रहा है। तो मुझे वही लग रहा है कि जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके जो वो बाल जो गिरने की परेशानी है आपके, वो एकदम से चला जाए। लेकिन मैं 100% इसको तब मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको बता सकती हूँ जब मैं इसे तकरीबन 1 मंथ तक यूज़ करूँ, उसके बाद ही मैं 100% रिजल्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं इसे 1 मंथ यूज़ की हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ दो बार यूज़ करने से आप किसी शैम्पू के बारे में डिस्कस लॉन्ग नहीं कर सकते हो कि हाँ भैया आपके बाल 100% ये कम कर देगा। तो मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू एक बार फिर करने वाली हूँ, तकरीबन मैं 1 मंथ यूज़ करने के बाद, कि मेरे बाल सच्ची में, जैसे दो बार यूज़ की और मेरे हाथों में मेरे बाल आ गए तो क्या अभी भी आ रहे हैं, तो मैं वो सब 1 महीने के बाद फिर से आपको बताऊंगी। तत्काल अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये ब्रांड ऐसा है कि जिसका आप अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप लॉस में नहीं जाने वाले हो। इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेन्युइन है। प्राइस थोड़ा आपको लगेगा कि प्राइस थोड़ा हाई है, 100 ml का आपको शैम्पू मिल जाता है, 200 ml का आपको कंडीशनर मिल जाता है,
उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा कि भैया अदर ब्रांड की अगर मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो इतने में तो मुझे 400 ml मिल जाता है, ये क्यों लूँ। ब्रांड और क्वालिटी दोनों में बहुत जो है, मतलब चीप अगर क्वालिटी है तो वो आपको 50, 100 और 150 रुपए में भी मिल जाएगा। थोड़ा अगर अच्छे ब्रांड का लेते हो, अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो थोड़ा प्राइस आपको पे करना पड़ता है, लेकिन वो रिजल्ट भी अच्छा देता है। तो ये मुझे लगता है कि 100% अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लेकिन 100% श्योर मैं होने वाली हूँ उस प्रोडक्ट को लेके आफ्टर 1 month के बाद, 1 महीने के बाद डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन तत्काल अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल स्कैल्प के लिए है, अगर आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कोई भी आपका टाइप का स्कैल्प हो, सब स्कैल्प को ये जाने वाला है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और भी अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एक बात और बोलूँगी, स्पेस थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ा जगह अलग है, लेकिन अगर आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी हो इस वीडियो में वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। और बहुत जल्द मैं बॉडी लोशन का रिव्यू करने वाली हूँ, जिसकी डिमांड मुझे बहुत दिनों से हो रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।